तो गाइस, अगर आप एक अच्छे नेटवर्क रीजन में रहते हो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है यार बार बार, तो टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं यार। वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी आपकी प्रॉब्लम 100% इस वीडियो में सॉल्व करके ही रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। पहले जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो यार, बहुत ही इरिटेशन करता है, जब भी आपको खेलने की मन रहता है तो गाइस ये बिल्कुल भी अपसेट कर देती है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, अगर आपके पास अच्छे नेटवर्क है तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको बिल्कुल भी हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में दो टिप आपको बताने वाले हैं यार, वो दो टिप आपको 100% आपकी हेल्प करेंगी, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, चलो सीधे आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो गाइस, आपको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ, आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेनी है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइस आपने आपको सर्च कर लेनी है यार, हाइबरनेटर ऐप। हाइबरनेटर ऐप का नाम है यार हाइबरनेटर। ये ऐप का क्या यूज़ है आपको आगे मैं बताता हूँ गाइस। इसको मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी है गाइस, आपको इसको जाके इंस्टॉल कर लेनी है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको सीधे गाइस गेम के बाहर आ जानी है। आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो भी रिसेंट ऐप रहते हैं यार उनको सबको आप क्लियर कर देना है, सब रिसेंट ऐप को आपको निकाल देनी है, क्योंकि गाइस इसकी जो भी बैकग्राउंड में रन होती रहती है यार वो आपकी डाटा स्पीड को कम कर देती है। इसलिए आपको पहले बैकग्राउंड ऐप्स को सब बैकग्राउंड ऐप्स को पहले क्लियर कर लेनी है। तो गाइस अगर आप बात करेंगे हाइबरनेटर ऐप यूज़ की, तो इस ऐप को क्यों आपको इंस्टॉल कर लेंगे इसलिए बोला हूँ कि यार ये जो भी आप रिसेंट ऐप्स में आपको क्लियर कर देते हो, कुछ ऐसे ऐप रह जाते हैं यार जो बैकग्राउंड में भी रन होती ही रहती है। जब रिसेंट में ऐप्स में आपको उनको क्लियर भी अगर कर देते हो तो वो बैकग्राउंड में रन होती ही रहती है, इसलिए आपको उनको स्टॉप करने का, क्योंकि अगर आप वो बैकग्राउंड में अगर रन होते रहते हो तो गाइस आपकी डेटा स्पीड वो कंज्यूम कर लेंगे और आपको जो अच्छी स्पीड है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको बैकग्राउंड में जो भी रन हो रहे हैं उनको स्टॉप कर देनी है। हाइबरनेटर ऐप आपको हेल्प करता है कि जो भी बैकग्राउंड में ऐप रन हो रही है उनको पूरा स्टॉप कम्प्लीटली स्टॉप कर देती है। तो यहाँ पे जब झट झट सिंबल पे अगर क्लिक करोगे तो सब ऐप हाइबरनेट हो जाएंगे और बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चलेंगे। तो ये देख रहे हो यार आप स्टार्ट जो हो रही है, जो फोन में आप जो बैकग्राउंड में रन हो रही थी उसको स्टॉप कर दिए, जिसमें अब स्नैपसीड ये भी बैकग्राउंड में रन हो रही थी इसको भी स्टॉप कर दिए। तो गाइस यहाँ पे हाइबरनेट अगर कर दोगे तो गाइस कौन से भी ऐप्स आपकी बैकग्राउंड में नहीं बचेगी, सब स्टॉप हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, आपको बताने के लिए मैं ये ओपन कर लिया था। अगर आपकी सेकंड स्टेप अगर बात करें तो हाइबरनेटर आप डाउनलोड करके आप सारे बैकग्राउंड आपको क्लियर करें तो आपको अच्छे नेट जॉब मिलती रहेगी। अगर आप सेकंड टिप की अगर बात करेंगे तो आपको गाइस सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है गाइस नेटवर्क ऑप्शन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कनेक्शंस में ओपन कर लेंगे। कनेक्शंस ओपन करने के बाद आपको ये पीएन ढूंढना होगा गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हो यार मोर कनेक्शन सेटिंग्स पे हम अगर गए तो एक्सेस पॉइंट नेम्स बोल के यहाँ पे रहेगा गाइस, ये वीपीएन नहीं गाइस, एक मिनट सॉरी, मोबाइल नेटवर्क्स में हम ओपन कर लेंगे। मोबाइल नेटवर्क जैसे ओपन करिए तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो यार एक्सेस पॉइंट नेम्स गाइस इसको ओपन कर लेंगे। या कहीं इनके फ़ोन में एपीएन बोल के भी रहेगा, इसको एक्सेस पॉइंट नेम को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको नेटवर्क रिसेट कर देनी है। यहाँ पे आप जैसे ऊपर देख रहे हो थ्री डॉट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे रिसेट टू डिफॉल्ट बोल के दिखा रहा है, इसको रिसेट टू डिफॉल्ट कर लेनी है। यहाँ पे ये हो गया गाइस, आपकी जो भी नेटवर्क इशू होगी वो सारी रिसेट हो जाएंगी और आपको अच्छी स्पीड जो मिलती रहेगी। तो आपको यहाँ से रिसेट करनी है और आपको अच्छी नेटवर्क जो मिलती रहेगी। तो आपको यहाँ पे साइब होने के बाद ये दो टिप्स होने के बाद आपको सब क्लियर कर लेनी है। क्लियर करने के बाद गाइस आपको एक बार आपकी डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेनी है। रिस्टार्ट करने से आपको जो भी जो नेटवर्क स्पीड है सब आपकी गेमिंग में लग जाएगी। तो यहाँ पर रिसेट स्टार्ट करनी है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको गेम की ऑन करके खेलनी है गाइस। बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ गाइस आपकी गेम ये इस वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम जो हो रही थी यार 100% सॉल्व हो जाएगी, मेरी गारंटी यार। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हो यार हमारे चैनल पर, ऐसे गेमिंग अपडेट्स और गेमिंग टिप्स जो मिलती रहेंगी पबजी की, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो पे। अच्छी वीडियो लगी तो एक लाइक कर दो और कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो पे, ले तक।